हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर एंड लीगल इश्यूज। आई एम एडवोकेट वनीता। आई एम प्रेजेंटिंग हियर टुडे विद अनदर इम्पॉर्टेंट लेक्चर दैट इज रिलेटेड टू एसआरए। इन द लास्ट प्रीवियस क्लासेस ऑफ एसआरए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो हमारे लास्ट क्लासेस रही है एसआरए की, वो तकरीबन 3 या 4 क्लासेस रही हैं जो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, सेक्शन 5 से लेकर 8 तक। और उसको हमने बारीकी के साथ एक एक कंसेप्ट को, एक एक एस्पेक्ट को उसके क्लियर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दिस चैप्टर डील्स विद द डिफेंसेस और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर्स। ये जो चैप्टर है हमारा इस जो चैप्टर का जो टाइटल है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, चैप्टर 2 बोलेंगे इसे, लेकिन ये चैप्टर 2 जरूर है, बट ये क्या है, पार्ट 2 का चैप्टर 2 है। जो एसआरए है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट टू सॉरी सेक्शन फर्स्ट टू 4। पार्ट 2 में जो है सेक्शन 5 से लेकर हमारा कंसेप्ट जाता है सेक्शन 35 से, और पार्ट 3 जो है प्रिवेंटिव रिलीफ की बात करता है वो बताता है सेक्शन 46 से 44 तक। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 9 से। सेक्शन 9 जो है वो बात करता है डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। इसकी बेयर लैंग्वेज जो है वो ये कहती है कि आप अपने बेयर एक्ट्स अगर आपके पास है तो आप निकाल लीजिए। बेयर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो पहला ये जो बता रहा है, हमें बता रहा है डिफेंसेस, तो ये बात कर रहा है डिफेंसेस की, यानी कि किस प्रकार के डिफेंस बात कर रहा है, डिफेंसेस। डिफेंसेस क्या होते हैं? नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि उसने अपना डिफेंस लिया, वो डिफेंस ले रहा है या वो डिफेंस कर रहा है, वो डिफेंडेंट है, क्या है, क्या किसको बोलते हैं हम डिफेंसिव? क्या डिफेंसेस में डिफेंडेंट होता है? यस, डिफेंसेस कौन लेगा? डिफेंडेंट लेगा। और जब हम क्रिमिनल केसेस में बात करते हैं तो डिफेंस विटनेसेस होते हैं, या डिफेंस की तरफ से डिफेंस लॉयर कौन है, ऐसा कुछ हमने कोर्ट्स में बहुत बार सुना भी होगा। जब डिफेंसेस की बात आती है, जब प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया और जब अदर पार्टी है, जो जो स्टेटमेंट प्लेंटिफ के द्वारा अपने उस प्लेंट में लिखी गई, जो स्टेटमेंट्स दी गई, जो फैक्ट्स दिए गए, उन फैक्ट्स और जब डिनाइल किया जाता है, जिसके द्वारा वो डिनाइल होगा वो होगा डिफेंडेंट। और सिविल केसेस में वो डिफेंडेंट होगा, और वो डिफेंडेंट जो अपने उस बात को, जो उसने प्लेंटिव ने जो फैक्ट्स बताए हैं उनको वो मना कर रहा है, वो डिफेंस ले रहा है, तो उसे बोला जाता है डिफेंसेस। और ये जो सेक्शन 9 है ये भी बात कर रहा है डिफेंस रिस्पेक्टेड टू सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, रिलीफ की बात हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। सबसे पहले तो हम डिफेंसेस की बात करते हैं, क्या है डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट्स। सूट्स के रिगार्डिंग आप डिफेंस लोगे, सूट्स होना चाहिए और एक कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, किस चीज के लिए, रिलीफ के लिए। सबसे पहली चीज तो सूट फाइल होगा, सूट फाइल किस चीज के लिए होगा, अगर दो पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तब, और किस पर्पज के लिए होगा, रिलीफ, रिलीफ के लिए होगा। और रिलीफ क्या हो सकता है, रिलीफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी हो सकती है, रिलीफ कैन बी कंपनसेशन, रिलीफ कैन बी डैमेजेस, कोई भी चीज हो सकता है जो वो कोर्ट में डिमांड कर सकता है। जब एक पार्टी द्वारा जो है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाता, जो परफॉर्मेंस होती है परफॉर्म नहीं किया जाता, तो अदर पार्टी क्या करेगी, सूट फाइल करेगी ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, और क्या डिमांड करेगी, रिलीफ डिमांड करेगी, दैट कैन बी डैमेज भी हो सकता है, दैट कैन बी कंपनसेशन एज वेल एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो तीनों में से कुछ भी वो डिमांड कर सकता है। जो डिफेंस होता है, डिफेंस का कंसेप्ट काफी बड़ा है, और डिफेंस में कह रहे एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियर। जब बात आ जाती है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब क्या है, कि यहाँ के अलावा अगर कुछ और कहीं दिया हुआ है उसको छोड़कर, यानी कि जब कहीं कुछ और दिया हुआ है उस चीज को छोड़कर अगर आप कुछ डिमांड करते हो, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, एक्सेप्ट
का मतलब होता है के बिना, एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, कहीं और अगर कुछ प्रोवाइड किया गया है उसको छोड़कर। मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ और प्रोवाइड किया गया है और एसआरए में कुछ और प्रोवाइड किया गया है, तो कह रहे हैं कि जो इस एक्ट के अंदर जो कुछ भी प्रोवाइड किया गया उसको छोड़कर, अगर वेयर एनी रिलीफ इज क्लेम्ड अंडर दिस चैप्टर, चैप्टर टू के अंदर अगर आप एनी रिलीफ, जब रिलीफ की बात मैंने आपको समझाई दी कि रिलीफ में क्या आएगा, रिलीफ में दैट कैन बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलीफ, दैट कैन बी डैमेजेस एंड रिलीफ, और कैन ऑल्सो बी कंपनसेशन। तीनों चीज हो सकता है। कोई भी अगर वो डिमांड कर रहा है और अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में चैप्टर टू के अंदर अगर वो डिमांड कर रहा है, तो कह रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर बात कर रहा है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो जिस पर्सन के लिए के अगेंस्ट वो क्लेम कर रहा है। अब बात आती है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की। अब बात आ रही है किसकी, द पर्सन अगेंस्ट होम, द पर्सन अगेंस्ट होम, अगेंस्ट होम का मतलब डिफेंडेंट आ गया यहां पर, ये डिफेंडेंट हो गया। क्लेम कौन कर रहा है, प्लेंटिफ कर रहा है, अगेंस्ट होम कर रहा है तो वो डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट की बात आ गई। और कह रहा है कि जो डिफेंडेंट है, यानी कि जो डिफेंडेंट है, मे, यहाँ पे वर्ड है मे, मे का मतलब कर सकता है अपने आप को प्लीड, वो प्लीड कर सकता है अपने आप को, साबित करना चाह सकता है किस चीज के लिए, बाय वे ऑफ डिफेंस, डिफेंस को, अपने बचाव को, डिफेंस का मतलब होता है बचाव, अपने बचाव को साबित करना चाह रहा है। एनी ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड, एनी ग्राउंड, जो ग्राउंड दिए गए हैं, जो ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये इसी के ग्राउंड्स हैं। एनी ग्राउंड्स विच इज अवेलेबल टू हिम, जो उसको मिलते हैं अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्टैक्ट, किसी भी ऐसे लॉ में जो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड हो। ये चैप्टर ही डील कर रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट का। तो कह रहा है कि जब वो कोई रिलीफ को क्लेम कर रहा है तो क्लेम के अंदर वो ग्राउंड ले सकता है जो ग्राउंड उसे किसी भी कॉन्टैक्ट में मिले हों, किसी भी कॉन्टैक्ट के रिगार्डिंग ग्राउंड की बात हो रही है। ये जो ग्राउंड्स हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हमें जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने जब डेफिनेशंस करी थी, तो उस डेफिनेशंस के अंदर आपने सेविंग क्लोज देखा था। सेविंग क्लोज में ये था कि एक्सेप्ट अदरवाइज जो कुछ भी है उसके अलावा जो है ये प्लेंटिफ के रिलेटिंग जो है आपके कंसेप्ट उसमें दिए गए थे। इनकी जो प्लेंटिफ का जो राइट है वो सेक्शन 3 में दिया गया था और सेक्शन 9 के अंदर डिफेंडेंट का राइट है। और इसमें जो भी एप्लीकेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट के, जब बात आती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑटोमेटिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेल कर जाएगा। यानी कि जो जो कंसेप्ट इसमें नहीं दिए हुए एसआर में, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हैं उसको माना जाएगा। तो इस तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ इक्वली जो है परफॉर्म करता है हर एक प्रोविजन को, हर एक फंक्शन को। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यहाँ पर एक अहम रोल निभाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से डिफेंसेस की वो बात कर रहा है। देखो, सबसे पहले जब आप कोई सूट फाइल करते हो क्या सिस्टम होता है, जब डिफेंसेस की बात वो कर रहा है, तो सबसे पहला तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था 11 का 2 है एक्सेस ऑफ पावर, उसके बाद 12 का 3 था हमारा वन अनपरफॉर्म्ड पार्ट इज लार्ज, इनकी जो बड़ा पार्ट है कोई परफॉर्मेंस होनी थी नहीं हुई, ये कंसेप्ट दे रखा है एसआरए में। अब हम इससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, हम डिस्कशन ये करते हैं। देखो, जब भी आप कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल करते हो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हो आप वहाँ पर जाते हो, अपना प्लान तैयार करवाते हो, और उससे पहले भी आप क्या करोगे, एक सिविल लॉयर से मिलोगे। सिविल लॉयर के थ्रू आप एक प्लान तैयार करवाओगे, उन्होंने अपने कोर्स ऑफ एक्शन बताओगे कि हमारे ये
बातें हुई थी या इस बेस पर हमारा जो है एक राइट बनता है और मुझे वो कोर्ट से लेना है। वकील आपको राय देगा कि आप एक प्लेन तैयार करवाइए और वो एक प्लेन तैयार करवा देता है, वकील ही करवाएगा, हमें तो इतनी नॉलेज होती नहीं, आम पब्लिक को कहाँ नॉलेज होती है। जब वो प्लेन तैयार हो जाएगा उसके बाद वो कोर्ट में पेश होगा, जब कोर्ट में उसको रजिस्टर कर दिया जाएगा एज ए केस के रूप में, तो फिर उसके बाद समन्स जाते हैं, समन्स जाएंगे, नोटिस जाएंगे, कुछ भी जो कोर्ट है वो भेज सकती है सामने वाली पार्टी को। दैट पार्टी इज सेड टू बी डिफेंडेंट। और जब वो डिफेंडेंट के पास जब वो नोटिस जाता है, समन जाता है, तो उसके साथ उस प्लेन की कॉपी भी जाती है और उस कॉपी में वो सारे फैक्ट्स लिखे होते हैं जिसके बेस पे उसने अपना राइट क्लेम किया होता है। अब यहाँ क्या करता है डिफेंडेंट, अपने उस राइट को जो उसने राइट डिमांड किया है, अगर डिफेंडेंट उसकी कुछ बातों से अगर वो सहमत है तो उसमें कुछ भी एक्शन नहीं करेगा, लेकिन जिन बातों को वो डिनाई कर रहा है, जिस बातों को वो मना कर रहा है कि उसे ये राइट नहीं मिलने चाहिए, उसके लिए वो क्या करेगा, अपना रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करवा के कोर्ट में जमा करवा देगा। अपनी तरफ से वो प्लीड कर रहा है, अपने वो डिफेंस ले रहा है। तो अब बात आ रही है कि ग्राउंड्स कौन कौन से होते हैं डिफेंस के। जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात आएगी तो क्या क्या ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के बेस पे वो अपने राइट क्लेम कर सकता है। ये मैंने SRA के ग्राउंड्स लिख दिए, ये मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ग्राउंड लिख दिए। जब हम इसका आगे का प्रोसीजर समझेंगे ना, इनको डिटेल में करेंगे, तो आप माइंड में रखिए कि मैं सेक्शन 9 के बाद 10, 11, 12, 14, 17 और 18 को ही पहले डिस्कस करूंगी, क्योंकि दीज सेक्शंस आर रिलेटिंग टू रीड विद सेक्शन 9, क्योंकि जो सेक्शन 9 में डिफेंसेस की बात कर रहा है वो डिफेंसेस लेगा कौन से, वो डिफेंसेस लेगा ये वाले डिफेंसेस लेगा जो इसमें प्रोवाइड है। इन डिफेंसेस के बेस पर वो अपने सारे के सारे डिफेंस ले लेगा। यहाँ पर एक डिफेंस और लिखना मैं भूल गई हूँ, सेक्शन 20 में है जो अभी 2018 के अमेंडमेंट से हुआ, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैं देख लेती हूँ, गलत लिखने से अच्छा है, गलत समझने से अच्छा है उसी को उसी टाइम क्लैरिफाई कर लिया जाए, सब्स्टिट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है या परफॉर्मेंस है, ये थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है। चलो हम देख लेते हैं, हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, कह रहे हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट कुछ है तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो मैं नहीं कह सकती दूसरे कैसे तैयारी करवाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा ये सिस्टम है कि जब हम पर्टिकुलर कोई सेक्शन कर रहे हैं, पर्टिकुलर आर्टिकल कर रहे हैं, पहले उससे जो रिलेटेड कंसेप्ट है पहले उसको क्लियर किया जाए, फिर ही कोई न्यू कंसेप्ट स्टार्ट किया जाए। तो इसमें जब हम ये सारे कंसेप्ट जब डिटेल में करेंगे तो उस टाइम में आपको जो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द डिफेंसेस प्रोवाइडेड अंडर SRA में कौन से डिफेंसेस प्रोवाइडेड है, तो आपको फटाफट ये सारा कुछ मेंशन कर देना है। तो हमारे लिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा मेंस का भी तैयार हो रहा है, तो हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबसे पहला कह रहा है कि एक्सेस ऑफ पावर, वैसे तो सेक्शन 10 भी जो है डिफेंस की बात करता है, सेक्शन 10 में जो ये बात कही गई है कि जो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इस बेस पे होगा, सब्जेक्ट टू 11, 12, 14 और 16 के बेस पर। तो उसमें कुछ कंडीशंस है वो हम डिटेल में कर लेंगे जब बेयर लैंग्वेज से मैं करवाऊंगी। फिर ये 11(2) कहता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी, अब यहाँ ट्रस्टी की बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्टी के द्वारा बनाया गया और इन एक्सेस ऑफ हिज पावर, या उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, या तो अपनी पावर का मिसयूज किया या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, कि हमें ट्रस्टी पर विश्वास था, उसने उस विश्वास को तोड़ा, या तो उस बेस पर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में डिफेंस लिया जा सकता है कि इसने जो अपनी गलत पावर का गलत यूज किया या विश्वास को तोड़ा, उस बेस पे डिफेंस मिल जाएगा और डिफेंडेंट है वो अपना बचाव करके निकल जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है कि व्हेन अनपरफॉर्म्ड पार्ट इज लार्ज, अब मैं बेयर एक्ट से नहीं करवाती, वैसे ही आपको समझा देती हूँ मोटा मोटा, क्योंकि बेयर एक्ट से तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। जब बात आती है वन अनपरफॉर्म्ड पार्ट इज लार्ज, मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा कि उसमें 5 फैक्ट्स थे, उनको फॉलो करना था, बट उसमें से 1 फैक्ट को फॉलो किया गया, अब रिमेनिंग बच गए 4, तो इन 4 के लिए भी कोर्ट में आप डिफेंस ले सकते हो कि उसको परफॉर्म नहीं करवा सकते, कि वो काफी ज्यादा हो जाएगा, हम तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं करवा सकते कि कुछ ऐसे कंडीशंस खड़ी हो गई है, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ करता है तो वो इस ग्राउंड पे भी अपना डिफेंस ले सकता है। फिर बात आती है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की, जो सेक्शन 20 में दिया हुआ है, जो 14 के अंदर दिया हुआ है, 14 में ये 4 कंडीशंस दी हुई है, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हुआ है कि अगर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवानी है उस बेस पे आप जो है
एनफोर्स नहीं करवा सकते। सेक्शन 14 जो है स्पेसिफिकली जो है ये बताता है कि विच कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, शैल नॉट बी एनफोर्स्ड, कि ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करवा जा सकते। फिर है कंटिन्यूस ड्यूटी, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो लगातार किसी ड्यूटी को नहीं परफॉर्म कर रहा था, तो उसके लिए भी आप परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। पर्सनल क्वालिफिकेशन, किसी व्यक्ति की कोई योग्यता है, मान लो मेरी योग्यता है कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, अगर मुझसे अगर किसी का कॉन्टेक्ट हो वो कहे कि आपको जी अच्छा पढ़ाना है, वो तो मेरी क्वालिटी पे है ना, मैं अच्छा पढ़ाऊँ या बुरा पढ़ाऊँ, तो उस बेस पे भी कोर्ट में परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता। नेचर डिटर्मिनेबल, इसकी नेचर ही ऐसी है कि उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, उस बेस पे भी आप परफॉर्म नहीं करवा सकते। फिर 17 कहता है डिफेक्टिव टाइटल, जब आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो, वैसे वो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है मोस्टली, पर कोई भी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर की गई, एक्चुअल में आप उसके मालिक ही नहीं थे, आपने किसी और के बिहाफ में, किसी ने आपको प्रॉपर्टी रखी थी आपके पास, आप उसके मालिक नहीं हो लेकिन आप उसे ट्रांसफर कर देते हो, तो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन अराइज होगा कि इस व्यक्ति का जो डिफेक्टिव टाइटल है वो टाइटल ही नहीं है, ओरिजिनल टाइटल ही नहीं है, असल में वो मालिक ही नहीं है, तो उस बेस पे भी एनफोर्समेंट नहीं करवाई जा सकती, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी कॉन्ट्रैक्ट की नहीं हो सकती। फिर है कि परफॉर्मेंस ऑफ वेरिएशन, कह रहे कि अब मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उसकी कुछ वेरिएशन करनी पड़ेगी, उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, जब तक वो बदलाव पॉसिबल नहीं होगा, जब तक उसमें वो बदलाव नहीं किया जाएगा, तब तक आप जो है परफॉर्म नहीं करवा सकते, तो उस मामले में भी आप एक अपना ग्राउंड ले सकते हो डिफेंस का। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस है कि मान लो उस परफॉर्मेंस की जगह कोई सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस है, तो उस लेवल पे भी आप जो है अपना क्लेम नहीं कर सकते। तो इनको जो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। अब बात आती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या ऐसे प्रोविजन है जो ये दिए गए हैं। थोड़ा सा लाइट का इशू आ रहा है क्योंकि लाइट मेरे सामने पड़ती है, तो मैं कोशिश करूंगी कि लाइट को थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करवाऊँ, उससे पहले आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। ये कह रहा है कि 2H कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट आप कोर्ट में एनफोर्स करवा सकते हो जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट फ्री कंसेंट थे, कोर्जन की वजह से है या किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी ने आप पे ऐसा प्रभाव डाल दिया कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया, तो उस मामले में भी आप परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते क्योंकि दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर कह रहा है कि सेक्शन 10 में लेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे एग्रीमेंट, सबसे पहले तो एग्रीमेंट होगा दो लोगों के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब उनके बीच में फ्री कंसेंट होगी, अपनी सहमति से हुआ, कॉम्पिटेंट का मतलब जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया वो माइनर नहीं है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत उसने 18 ईयर्स की एज ले ली हो। फिर है लॉफुल कंसिडरेशन कि जो उसने भुगतान किया वो कंसिडरेशन जो था, जो पेमेंट थी वो लॉफुल थी, गलत तरीके से नहीं थी, नॉन डिक्लेयर वॉइड, और वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किसी कंडीशन पे नहीं है कि जिसको जो है वॉइड डिक्लेयर किया जा सके। तो ये कुछ एक ग्राउंड्स है जिस बेस पे भी आप एग्रीमेंट को जो है एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करवा सकते। 19 कहता है कि जहां पर कोई एग्रीमेंट है बिना किसी फ्री कंसेंट के हुआ है तो वो वॉइडेबल हो जाता है। 19 ये कहता है कि ये ड्यूटी बन जाती है कि कोई अन्य इन्फ्लुएंस से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो पावर है कोर्ट की कि वो उसको सेट असाइड कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जब दोनों व्यक्तियों की म्यूचुअल मिस्टेक होती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद है जब म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ लॉ होगी ना, उस टाइम में आप वॉइड नहीं कर सकते, आप वॉइडेबल करोगे। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, या तो आपने वहाँ कंसिडरेशन ही नहीं दिया, कंसिडरेशन का मतलब है जो भुगतान किया वो कम था, मान लो आपने प्रॉपर्टी तो ली 10 लाख, आपने उसके बदले में कुछ भुगतान कर दिया, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि अगर मान लो भुगतान कर दिया, गिफ्ट में दिया है या कोई और वजह से दिया है, तो वहाँ पर आप कंसिडरेशन की बात नहीं कर सकते। अरे यार मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी प्रॉपर्टी को चाहे 1 रुपये में बेचूँ चाहे 1 लाख में बेचूँ, वो मेरी मर्जी है ना, मैं किसको कैसे दे रही हूँ, तो दूसरा उसमें मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि आप जी अपनी 5 लाख की प्रॉपर्टी को आप 2 लाख में क्यों दे रहे हो, वो मेरी इच्छा है, मैं किसी को कुछ भी दूँ। उसके बाद है विदाउट कंसिडरेशन, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कंसिडरेशन था, जिसमें हमें पेमेंट करनी थी पर पेमेंट नहीं हुई, ऐसे कुछ ग्राउंड हो सकते हैं वो जो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। अनसर्टेनिटी सेक्शन 29 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये कहता है कि जब ये चीज़ फिक्स ही नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उस लेवल पर आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हो और उसको एनफोर्स करवाना चाह रहे हो तो वो आप नहीं कर सकते, डिफेंस लिया जा सकता है। फिर फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब है
कि जब इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, सेक्शन 56 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये कहता है कि जब इम्पॉसिबल है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना या कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई जिसको आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे, तो उस मामले में भी आप कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकते। और वैसे भी आप ये मान के चलिए कि जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात आती है या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात आती है, दोनों जो एक्ट है एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, मुझे थोड़ी सी थ्रस्ट है, मैं पानी वगैरह पी लेती हूँ। एक तो वैसे ही गर्मी का इशू बहुत हो जाता है और ऊपर से जब बोलते हैं बार बार तो हमारा गला सूख जाता है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब किया। चलो आज का लेक्चर हम इतना ही यहीं तक करते हैं और आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आता है तो आप मेरे जो वीडियो को लाइक कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए और थंब इम्प्रेशन जरूर दीजिए कि हाँ मैडम आपका लेक्चर अच्छा है। ये थंब का मतलब अंगूठा दिखाना नहीं है, ये थंब का मतलब है कि आप मुझे मोटिवेट करना चाह रहे हो। और आप कमेंट भी कर सकते हो, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आप ये सोचते हो कि फर्दर मुझे वीडियो मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, जिससे कि फर्दर नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और कोरोना के इस इश्यू में अपना बचाव रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का बचाव रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।